काफी पुरानी बात है। एक राजा के राज में रोज एक सैनिक की हत्या हो रही थी। हत्या भी कहीं युद्ध में नहीं बल्कि राजमहल में हो रही थी। राजा चिंतित हो उठा। सेनापति रोज आता और महाराज को एक हत्या की खबर सुना डालता। महाराज महाराज, और फिर राजमहल में हमारे एक सैनिक की किसी ने हत्या कर दी। कौन है ये दुष्ट? सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। परंतु कोई नतीजा ना निकला। हत्याओं का सिलसिला जारी रहा। हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे थे। सैनिक राजमहल में पहरा देने से इनकार करने लगे। सेना में विद्रोह होने का खतरा पैदा हो गया। राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार प्रियवर्धन शिक्षा पूरी कर महल में पहुंचा। पिता को उदास देखकर कारण पूछा। वह भी चिंतित हो उठा। उसने हत्याओं का पूरा विवरण इकट्ठा किया। उसे जानकर आश्चर्य हुआ कि हत्या सिर्फ उसी सैनिक की होती थी जो अकेला पहरा दे रहा होता था। इसका मतलब साफ था कि जो कोई भी हत्यारा था वो इकट्ठे सैनिकों का सामना करना नहीं चाहता था। राजकुमार ने सैनिकों को आज्ञा दी, अकेले कहीं खड़े ना हो, पांच पांच सैनिक इकट्ठे पहरा दें। जो आज्ञा छोड़े महाराज। परिणाम सुखद निकला। कई दिन बीत गए, किसी सैनिक की हत्या ना हुई। सभी खुश थे। एक दिन राजकुमार ने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति लगता है हत्यारा भाग गया है। अब खास सुरक्षा व्यवस्था हटा दें, इसकी अब कोई जरूरत नहीं। राजा बोला, ऐसा करना खतरनाक है, वह हत्यारा फिर वैसी कोशिश कर सकता है। राजकुमार ने कहा, अब वह ऐसी कोशिश नहीं करेगा पिताजी। क्षणिक सफलता पर गर्व करना उचित नहीं बेटे। अगर आपको यकीन नहीं तो ऐसा करें कि बुर्ज पर सिर्फ एक सैनिक को अकेले पहरा देने को कहें। राजकुमार की आज्ञा अनुसार व्यवस्था कर दी गई। सेनापति सुरक्षा व्यवस्था खुद देखने गए। पिछले बुर्ज पर वहाँ अकेला खड़ा सैनिक पहरा दे रहा था। सेनापति बोले, क्यों सैनिक, घबराहट तो नहीं हो रही? जी नहीं सेनापति जी। शाबाश। जैसे ही सेनापति पीछे मुड़ा, अचानक उसने सैनिक का मुंह दबोच लिया और उसके पेट पर भरपूर वार कर दिया। परंतु ये क्या, सेनापति के हाथ से तलवार छूट गई, क्योंकि सैनिक ने लोहे का मजबूत कवच पहना था। इससे पहले कि उसके समझ में कुछ आता, सैनिक ने सेनापति की गर्दन पर तलवार रख दी और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों सेनापति जी, लगता है आपने पहचाना नहीं मुझे। राजकुमार आप? सेनापति का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे पहले से ही शक था कि हो न हो आप ही आस्तीन के सांप है। मुझे माफ कर दे कुंवर जी। सेनापति को गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया जाए। देखा बच्चों, किसी पर भी सोचे समझे बिना विश्वास नहीं करना चाहिए।